मैं काफ़ी समय से हेयर फॉल से परेशान था और काफ़ी समय से काफ़ी दवाइयाँ खा रहा था, काफ़ी मेडिसिन लगा रहा था सर में और बहुत सी चीज़ें कर रहा था, बट मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही जाना चाहिए। तो मैंने बहुत काफ़ी सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे हेयर फ्री हेयर ग्रो सूरत की ब्रांच में मैंने अपना कॉन्टेक्ट किया। आज मेरा ट्रांसप्लांट है, आई होप बहुत अच्छे से होगा। पहले बहुत डर था कि मेरे मन में कि कहीं पेन होगा, कहीं कुछ। सर ने लेकिन समझाया ऐसा कुछ नहीं है। सर ने मेरा ट्रांसप्लांट किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत मतलब मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, बहुत ज्यादा पेन नहीं हुआ। जो रिजल्ट सोच रहा था उससे भी बेटर सर ने बहुत बेटर ढंग से किया मेरे को ट्रांसप्लांट। हाय, आई एम आशीष फ्रॉम लखनऊ। मैं काफ़ी समय से हेयर फॉल से परेशान था और काफ़ी समय से काफ़ी दवाइयाँ खा रहा था, काफ़ी मेडिसिन लगा रहा था सर में और बहुत सी चीज़ें कर रहा था, घरेलू उपचार भी कर रहा था, बट मुझे कोई रिजल्ट मतलब नहीं दिख रहा था। थोड़ा बहुत दिखता था, थोड़ा बहुत नहीं दिखता था, बट मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही जाना चाहिए। तो मैंने बहुत काफ़ी सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे हेयर फ्री हेयर ग्रो सूरत की ब्रांच में मैंने अपना कॉन्टेक्ट किया। सर से कॉन्टेक्ट हुआ, सर ने मुझे बुलाया, मैं पहुंचा, सर ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया और आज मेरा ट्रांसप्लांट है, आई होप बहुत अच्छे से होगा। पहले बहुत डर था कि मेरे मन में कि कहीं पेन होगा, कहीं कुछ। सर ने लेकिन समझाया ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने नेक्स्ट डे से अपना वर्क पे जा सकते हो। मैंने सोचा चलिए ठीक है, बेस्ट है, कोई ऐसा इशू नहीं है मन में, आई होप बहुत अच्छे से होगा मेरा ट्रांसप्लांट। आज के दिन पे बाडनेस जब होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बहुत डाउन हो जाता है और बहुत सोचना पड़ता है कि यार लोग कैसा सोचेंगे, क्या देख रहे हैं, कैसा मतलब बहुत अजीब सा लगता है। कॉन्फिडेंस अगर लो होता है तो किसी काम में भी नहीं मन लगता है और मतलब आगे की जर्नी कैसे होगी ये भी आदमी मतलब आजकल सोचता है। ट्रांसप्लांट आज के दिन में बहुत जरूरी है, मेरी समझ से जिसको भी हो उसको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, आप नेक्स्ट डे से अपने वर्क पे जा सकते हो। कोई ऐसा कुछ नहीं कि छुट्टी लेकर आपको रेस्ट करना है या कुछ भी, आप आराम से करा सकते हो। जैसा कि मैं आज सुबह आया, सर ने मेरा ट्रांसप्लांट किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत मतलब मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ। जो रिजल्ट सोच रहा था उससे भी बेटर सर ने बहुत बेटर ढंग से किया मेरे को ट्रांसप्लांट। जितनी क्राफ्ट्स की ज़रूरत थी कुछ कम पड़ रहा था उनको, तो थोड़ा सा क्राफ्ट मेरे बियर्ड से मिल गया हुआ है और मेरे को 2 महीने बाद BRP के लिए बुलाया है, मैं आऊँगा फिर मेरा सर रिजल्ट देखेंगे। सर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको अगले 5-7 दिनों में क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे वॉश करना है, किस टाइम पे दवा खानी है, किस टाइप का भोजन आपको लेना है, बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत अच्छा लगा मुझे आकर। आप भी आइए यहाँ पर, जितना जरूरत है उतने ही क्राफ्ट की आपको रिक्वायरमेंट बताएंगे, उतने ही क्राफ्ट्स लगाते हैं। थैंक यू हेयर फ्री हेयर ग्रोथ।